हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पटियाला सलवार सिलना सिखाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कली ली है। तो हम आसन वाली साइड को छोड़ देंगे और जो हमारी सीधी साइड है उसको इस तरह से रख लेंगे। और फिर हम पाट को लेंगे और पाट को भी इस कली के ऊपर रख लेंगे और फिर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक कली को देखिए जोड़ लिया है। फिर हम पाट को सीधा करेंगे और इस तरह से दूसरी कली को भी सिल लेंगे। आसन छोड़ देंगे और जो हमारी सीधी साइड है उसे इस तरह से पाट के ऊपर रख के एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। नीचे तक हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने पाट में दो कली को सिल लिया है। देखिए तो अब हम आसन सिलेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे पाट में भी दो कली को सिल लिया है। तो अब हम इस तरह से आसन को सिल लेते हैं। तो देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम इसी तरीके से दूसरा भी आसन सिल लेंगे। दूसरे आसन पर भी हम ऊपर की साइड पे एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों आसन को सिल लिया है। तो अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने सूट में से बेल्ट की कटिंग करी है। तो पहले हम साइड से इस तरह से सिल लेते हैं। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दाब सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी साइड में हमारा कटा हुआ है, कटिंग करते वक्त नहीं दिखाई दिया। तो हम इसी के नाप की पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी को लेंगे और इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम पहले इसको सीधा कर देंगे। और जहाँ पर हमारा कटा हुआ है उसको भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने अलग से पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद फोल्ड करके इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड में हमने सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली है।
तो अब हम यहाँ पर भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम डोरी डालेंगे, तो पहले हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर भी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी इसको साइड में सिल लेंगे। ऊपर की साइड भी इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई हमारी आगे वाले आसन पर आ जाएगी और ये दूसरी वाली सिलाई हमारे पीछे वाले आसन पर आ जाएगी। तो अब हम इसको इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद 12 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम यहाँ से कट लगा देंगे। यहाँ तक हम आगे की तरफ प्लेटें डालेंगे, इसीलिए हमने कट लगाए हैं। और जो पीछे की साइड है उसमें हम प्लेटें नहीं डालेंगे। तो अब हम बेल्ट में जो आगे वाली सिलाई है उसको रखेंगे। फिर हम सलवार का आसन रखेंगे। दोनों में से कोई भी एक आसन को रख लेना है इस तरह से। और रखने के बाद हम प्लेटों का डायरेक्शन अपनी तरफ रखेंगे और इस तरह से प्लेटें डालते जाएंगे। ध्यान रखना है जो हमने बेल्ट में आगे की तरफ सिलाई लगाई है और जो हमने आसन में सिलाई लगाई है वो सिलाई हमें एक दूसरे के ऊपर ही रखे इस तरह से प्लेटें डाल लेना है। तो देखिए मेरा कट आ चुका है, तो यहीं तक हम प्लेटें डालेंगे और जो हमारा पीछे वाला आसन है और जो बेल्ट में सिलाई है उसे हमें एक दूसरे के ऊपर ही रखे सिलेंगे। तो जहाँ तक हमारा कट लगा है वहीं तक हम प्लेटें डालेंगे इस तरह से। और फिर सीधी सिलाई लगा लेंगे और पीछे वाले आसन पर हम दो प्लेटें डालेंगे। ये देखिए हमारा पीछे वाला बेल्ट की सिलाई है और इसी के सामने हम पीछे वाला आसन रखेंगे और प्लेटें डालेंगे। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे। और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे। और इस तरह से प्लेट डाल के जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम प्लेटें नहीं डालेंगे, इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम जहाँ पर कट है यहीं से प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो पहले तो हमने अपनी तरफ प्लेट का डायरेक्शन रखा था, तो अब हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने पूरे में पलेटें डाल ली हैं। तो अब हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगी। इस तरह से हमें सीधी तरफ से दाब सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों इस सलवार की कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने सलवार की कटिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई भी लगा ली है, देखिए इस तरह से। तो देखिए ये मैंने बुकरम की पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई देखिए 1 इंच है। तो इस तरह की पट्टी ले लेनी है, जहाँ पर निशान लगा है वहीं पर हमें रखे इसको फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगा लेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई लगा ली है और हमने पौचे में डिजाइन भी बना ली है, देखिए इस तरह से। तो अब हम सलवार की फिटिंग करेंगे। मोरी की चौड़ाई हम 6 इंच लेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। और 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे, तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर देखिए हमें तिरछे में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम सलवार के पौचे 6 इंच लेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पौचे में भी हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है और इसमें हम डबल सिलाई भी लगा लेंगे। और इस तरह से पटियाला सलवार सिलकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।